तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं TFT टूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। कमेंट में आपको पिन मिल जाएगा, तो आपको इसको हम डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमें इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले तो इसको जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। तो आपको इस तरफ पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड डाल के आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरफ जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरफ इंटरफेस आएगा, तो आपको फोल्डर पे इंटरफेस आएगा। तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको राइट क्लिक और रन एंड एडमिनिस्टर करना है। तो आप जैसे रन एंड एडमिनिस्टर दोगे तो यहाँ से आपको थोड़ा वेट करना है, तो आपको येस कर देना है। रन एंड एडमिनिस्टर देंगे तो इस तरफ इंटरफेस आएगा। तो आने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे चेक लगाना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे आपको जो पासवर्ड है वो कैपिटल में TFT आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। तो फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट करके यहाँ पे आई एग्री पे चेक लगा के फिर से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो इस तरफ ये इंस्टॉल होने लगेगा PC में। तो आपको थोड़ा वेट करना है, ये टूल जो है इंस्टॉल होने में थोड़ा ही टाइम लगेगा। तब तक मैं इसका MB दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 242 MB का है। तो इस टूल जो है 242 MB का है। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको इंस्टॉल में थोड़ा ही टाइम लगेगा। आपका PC पे डिपेंड करता है, अगर आपका PC थोड़ा अच्छा है तो इसमें आपको इंस्टॉल होगा, जल्दी से आपको इंस्टॉल हो जाएगा। और इस टूल को आपको डाउनलोड करने से आपका कोई डिफेंडर या तो कोई भी एंटीवायरस आपको ऑफ नहीं करना है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा मालवेयर वायरस कुछ भी नहीं है। आपको जैसे अलग टूल होता है तो उसमें थोड़ा ही टूल होता है तो उसमें आपको डिफेंडर ऑफ करना पड़ता है। जैसे आप टूल को आप एक्सेप्ट करोगे या तो रन करोगे तो आपको डिफेंडर ऑफ करना पड़ता है। इस टूल के अंदर आपको कोई भी डिफेंडर कुछ भी ऑफ करना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा इस तरफ आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरफ इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, फिर से आपको फिनिश कर देना है। तो यहाँ से आप फिनिश कर देते हैं, इस तरफ आपको इंटरफेस आएगा। तो इस तरफ इंटरफेस आएगा तो आपको इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको रन एंड एडमिनिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आपका इस तरफ इंटरफेस आएगा। तो ये एक देख सकते हैं, ये वहाँ अनलॉक टूल का जैसे ही सेम। तो यहाँ पे एक लाइनिंग चलेगा, बस ये लाइनिंग ख़त्म जैसे ही होगा तो आपको यहाँ पे ID पासवर्ड डाला हुआ है, बस आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से एक लाइनिंग चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से एक लाइनिंग चलेगा और ये टूल जो है इस तरफ इंटरफेस आएगा। तो आप इसको क्लोज कर देना है, जो भी ब्राउज़र आपका ओपन हो जाएगा तो ब्राउज़र को आपको बंद कर देना है, तो ये टूल जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल जो है ओपन हो चुका है। तो इस टूल में आपको बहुत सारा भी लेटेस्ट फ्यूचर दिया गया है, मतलब कुछ मॉडल का ऐड किया गया है जो इसमें नहीं था, वो मॉडल इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा मॉडल। तो यहाँ पे आपको स्वामी में मैं क्लिक करता हूँ। स्वामी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा मॉडल आ चुका है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ लेटेस्ट मॉडल दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लेनोवो पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे थोड़ा प्लीज़ वेट का टाइम लेगा और इसके अंदर आपको सारा मॉडल जो है जितना भी इसमें लेटेस्ट फ्यूचर अपडेट आया है वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप इसमें से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP कर सकते हैं, मतलब इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है तो इसके अंदर बहुत सारा फ्यूचर भी दिया गया है जो पुराना वर्जन में नहीं था। इस वर्जन में अभी बहुत सारा मॉडल दिया गया है, ऐड हुआ है। तो यहाँ पे सैमसंग में आता हूँ। सैमसंग में आने के बाद इस तरफ थोड़ा ही प्लेस वेट कर लेगा, फिर यहाँ पे आपका मॉडल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मॉडल चेक कर लेना है जो भी मॉडल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट या FRP आप कुछ भी यहाँ पे काम कर सकते हो। तो मैं नोकिया पे क्लिक करता हूँ। नोकिया पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इतना सारा मॉडल इसमें दिया गया है। और मैं चलता हूँ, ये आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्लीज वेट पे आएगा। तो फिर उसके बाद सारा मॉडल जो है ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ इन्फिनिक्स में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज वेट का आ रहा है और इसमें बहुत सारा मॉडल अभी ऐड किया गया है। हर एक ये फ्यूचर में हर एक कंपनी के अंदर इसमें दिया गया है, जो मॉडल पुराना वर्जन में नहीं था ये लेटेस्ट वर्जन में वो भी मॉडल ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं Apple पे क्लिक करता हूँ। Apple पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, तो मैं Vivo पे क्लिक करता हूँ। तो Vivo पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा प्लीज वेट का आ रहा है, फिर यहाँ पे मॉडल खुल जा रहा है जो भी है आपका मॉडल। यहाँ पे आपको मॉडल चेक करना है और सीधा आप फैक्ट्री रीसेट या तो FRP यहाँ पे आप बहुत सारा कर सकते हो। तो यहाँ पे MediaTek में जाते हैं, यहाँ पे आप क्लास भी कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट का दिया गया है। यहाँ पे रीबूट
बूट लोडर, यहाँ पे बहुत सारा फ्यूचर दिया गया है आप देख सकते हैं इस टूल में, जो पुराना वर्जन में नहीं था ये लेटेस्ट जो वर्जन है इस पर दिया गया है बहुत सारा फ्यूचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टूल को आपको अभी का टाइम में फ्री में चल रहा है, तो आप इसमें बहुत सारा यूज कर सकते हो, मतलब जो जो मॉडल इस पर नहीं था अभी उस पर अपडेट हो चुका है, तो इस टूल का मदद से आप बहुत सारा आपका काम जो है इसमें इस टूल के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो जितना भी इसमें फंक्शन दिया गया है सारा वर्किंग कंडीशन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा जितना भी इसमें फंक्शन फ्यूचर दिया गया है सारा वर्किंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट, FRP, आप यहाँ पे रीबूट, आप बहुत सारा इस टूल के मदद से काम कर सकते हैं। एक ही टूल ये जैसे सेम अनलॉक टूल जैसा है सेम वैसी है, तो इसके अंदर भी देख सकते हैं ये सारा जितना भी फ्यूचर है सारा यहाँ पे वर्किंग है और लेटेस्ट अपडेट भी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा इसके अंदर भी मॉडल दिया गया है आईटेल के अंदर, जो आईटेल के अंदर इस पर बहुत सारा आप टूल ढूंढते हो तो इसमें बहुत सारा फ्यूचर दिया गया, मॉडल भी इस पर ऐड किया गया है। आप इजीली वन क्लिक से आप रिमूव कर सकते हैं, FRP बाईपास कर सकते हैं, तो इस टूल का मदद से आप कर सकते हैं बहुत सारा काम। यहाँ पे एंड्रॉइड पे जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते जो भी टैप में, मतलब जैसे ही सेम अनलॉक टूल है उसी तरह भी ये सेम है, सेम सारा वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर इतना सारा मॉडल दिया गया है, और मैं यहाँ पे आसुस में चलता हूँ तो यहाँ पे देख सकते सारा यहाँ पे काम कर रहा है, और इस वाला ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें पिन के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते यहाँ पे वीवो ओप्पो इस पर इसके अंदर भी आपको यहाँ पे मॉडल दिया गया है जो उस पर नहीं था, इस पर लेटेस्ट फ्यूचर दिया गया है, जो पुराना वर्जन में नहीं था ये लेटेस्ट वर्जन में वो सारा फ्यूचर इस पर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटेल में कुछ मॉडल भी इस पर यहाँ पे भी ऐड किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटेल का कुछ मॉडल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे LG में कुछ भी यहाँ पे LG का मॉडल दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका कोई भी, मान लीजिए मैं ओपे पे क्लिक करता हूँ, जो भी आपका मॉडल है तो आपको यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट आपको करना है, तो यहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन दबा के आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ फैक्ट्री रीसेट पे आपको क्लिक करके आपको वॉल्यूम अप डाउन दबा के आपको USB केबल लगा देना है, तो आपका जो भी लॉक है वो सारा रिमूव हो जाएगा। इस टाइम में मेरे पास कोई भी डिवाइस नहीं है, नहीं तो मैं इस पर दिखा देता था आपको अनलॉक करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइम में मेरे पास कोई भी डिवाइस नहीं है, तो मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। तो स्टॉप करने के बाद देख सकते हैं इसी तरफ फ्यूचर है, आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इजीली इसको काम कर सकते हो।